हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, गुड होंगे, मेरा व्लॉग देख होंगे। सो वेलकम बैक इनटू द न्यू वीडियो गाइस। अभी फिलहाल हमने जो ना 19 अगस्त 2022 और हमने आज फिलहाल अभी हमने चूजे को छोड़ा हुआ है। सो वो दिखाते हैं आपको सबसे पहले। एंड ये रहे मेरे दादा अबू जी, हाय कर दो। ये रहे मेरे दादा एंड हमारे चूजे को भी हमने यहाँ छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर घूम लेगा। और जो है ना फिर इसको जो है मैंने अभी फिलहाल जो है ना एप्पल दिए हैं, एप्पल खा रहा था। एप्पल भी इसके लिए सही है, सेहत खाता रहेगा, देसी चीज़ों पर पले रहा तो बेस्ट। थोड़ा फीडों पर रहा तो फिर तो ये मोटा ही बस हो रहा। अब जो है मैंने फीड हटा दी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने जो है ना चूजे का क्या डाइट रखी है। भाई साहब जरा ने देखी इसको, मैंने कहा कि जब अंदर से जो ना बाजरा ले किया और इसने क्या किया, सारा दाना जड़ा दिया। सो कुछ नहीं होता, यहाँ से अभी हम जो है ना यहाँ से ऊपर ऊपर से डाल लेते हैं इन इस चूजे को, क्या फ़र्क डालना। और वो फिर रहा है, नज़र आ गया इसको बाजरा ना, छोड़ दे ठा ले रहा खुदी। ये देखें, चलें पहले ठाने देते हैं इसको, जब ठाने में डिस्टर्ब किया ना चूंज मारता होता है। सो देखें पैरेट है, उसकी जो डाइट है, पैरेट नहीं आई थिंक मेरा जो चूज़ा है बैंटम, इसकी जो डाइट है ना वो है बाजरा। अब जो मैंने फीड हटा दी है, अभी मैंने मुर्गियों के दाने पर भी नहीं लगाया। जब ही हो जाएगा 3 मंथ का फिर इसको लगा देने, मुर्गियों नहीं 4-5 मंथ का हो रहा तब जो है ना हम इसको मुर्गियों के दाने पर लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो जो है ना हमने इसे बाजरे पर लगाया, क्योंकि बाजरा जो है ना ये भी अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम देते हैं मिस्री चूज़े जो होते हैं उनको हम बाजरे एक्सेट्रा देते हैं, बट मैंने जो है जिससे लिया था ना उसने मुझे दी थी फीड, तो मैंने कहा था डाइट एकदम से चेंज ना करूं। तो फिर जब मैंने देखा तो थोड़ा जल्दी ग्रो हो रहा फीड से, तो फिर मैंने इसको ना फीड ही रिक्वायर की। तो फीड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कवर कर जाएगा, फिर डाइट चेंज करने में भी कोई मसला नहीं आएगा। आप भी जो है ऐसा करे करें कि जब अपना चूज़ा जो है ना थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ना, क्योंकि जब चूज़ा होता है ना उसकी तो टेर आपको खुद करनी पड़ती है, लेकिन जब आपका पूरा 3 या 2 मंथ का चूज़ा हो जाता है तो तब जो है ना आपको डाइट बदल देनी चाहिए। एंड इब्राहिम हाय कर दो, ठीक है। सो अभी फिलहाल हमने चूजे को ना खा तो रहा, खाना जितना खा ले जाना, फिर बाकी जो बचे रहा हम रख देंगे। नहीं अभी ना एप्पल डाली, जब बाद में हो जाए ना तब एप्पल डाल देंगे। एप्पल जो है खा ले तो होता है, वो ग्लास में पड़े थे एप्पल, मैंने वो जो ना इसको डाल दिया। ये देखिए, सो गाइस आपको भी जो फैंसी बर्ड्स हैं, फैंसी हैंस हैं, इनमें से कौन सी वैरायटी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो गोल्डन बफ, वाइट बैंटम, ब्लैक बैंटम और ये जो टोटो बैंटम है वो भी मुझे पसंद है, शामूज, फिर जो गोल्डन बफ है मेनली, गोल्डन बफ, हैवी बफ, ब्रामास, ये मेरी फेवरेट, और आयाम सुमानी भी। सो मैं अब जो है ना कोशिश कर रहा हूँ गोल्डन बफ लूँ, तो मैंने बताना नहीं था मेरे मुँह से निकल गया, बस कुछ नहीं होता। सो गोल्डन बफ का जो है ना हम देख रहे हैं कि अपने पेड़ जो है ना थोड़ा बड़ा ही मिल जाए पेड़, ताकि जो है ना एडजस्ट करने में थोड़ा आसानी हो। लेकिन बैंटम का जो पेड़ जो है ना इस क्वालिटी का वो मुझे मिल रहा है 1000 रुपीज के अंदर, मेल फीमेल 1200 रुपए के अंदर, 600 रुपए का मेल, 600 रुपए की फीमेल, यानी 600 जो है ना पर पीस मिल रहा है। लेकिन उस भाई से डील चली थी, लेकिन उसने बताया था भाई सब सेल हो जाए, मैंने कहा यार फिर तू ऐड तो हटा देना, बंदे तो ऐसे लगता है कि अभी है इसके पास, लेकिन उसने जो सेल कर दिए थे। इसकी क्वालिटी आप सबसे पहले मेनली इसके जो पीछे ये जॉइंट्स के हेयर हैं वो आप देखें, इसकी आप जो है ना ये चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है आप हमारा चूज़ा। ये बाजरा जो है ना इससे वैसे जो है ना फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो हम इसको लैदा ही रखेंगे, ये बाजरा हम ना इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। सो इब्राहिम ये आपने डराया, तो आपने डराया, देखो आपने कितना बुरा किया भाई, उसका सारा दाना ही डरा दिया। ये डब्बा खोलो, ये डब्बा खोलो, हाँ जी ये वाला, हाँ जी खोलो, वो भाई साहब देते थे इतना ज़्यादा दाना। सो क्या है ये, क्या होता है, मैं बोल खोदी है।
हाँ पत्थर पत्थर निकाल दो, चूजा जो हमारा वो देखो कितना नीचे गया हुआ है, वो देखो चूजा हमारा। इब्राहिम चूजा प्यारा है, चूजा प्यारा है। ये जो ना हम यहाँ टला फेंक देते हैं, यानी कि बिछड़ा रहेगा जो हमारा चूजा जो है ना उठा ले रहा, और इसका जो है डाइट प्लान बन जाएगा। इसको हम साइड पर रख देते हैं, यहाँ उसके अंदर मिर्च कर देना। हाँ जी कुछ नहीं होता भाई साहब, इतना नहीं है वो, नहीं ओए ओए नहीं ओए, वो खा ले रहा चूजू। ये देखो, और ये देखे जट्टी की जूती जो है मेरे पास है, और जट्टी मेरी वाली जो है ना वो जट्टी पास है। सुबह आज जुम्मे, सुबह हफ्ता है, सो सुबह छुट्टी है, आराम से चील मारेंगे। मेरा गला जो है ना अभी तक कभी सही हुआ, सो ट्रीटमेंट करके बताइए क्या इलाज है इसका। मम्मा अभी फिलहाल क्या बना रही, देखते हैं सबसे पहले क्या बन रहा है। दाल कौन सी? माश की। हाँ जी देसी स्टाइल माश की दाल। वीडियो मेरी मम्मा के चैनल पर आ गई है, अभी नहीं आई, बड़ी देर पुरानी है, सर्च कर सकते हैं माश की रेसिपी बाई किचन विद रेसिपी। यस, और वीडियो आने वाली है तो और आलू के पराठे, वो भी जाके लाजमी देख लेना, वो मैं अभी सॉरी वो भी मैं जो है ना अभी अपलोड कर दूँगा। सो इधर देखें, सो आज के वाले इस व्लॉग में आपको ये वाले वीडियो चलते लाइक कर दे, चैनल पे चलते सब्सक्राइब कर दे, मिलते रहे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। भाई साहब ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जाने के इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, डरता है, ये जो हॉल्स हैं इसके अंदर से डर रहा है।